में से काफी लोग कई बार बोले हैं कि ये जो मिनी पीसी हैं लेनोवो थिंक सेंटर वगैरह या फिर एचपी के, क्या ये नए नहीं मिलते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नए मिलते हैं, बस फर्क ये है कि इनके जो मिनी पीसीज हैं ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे न्यू वाले नहीं है, रिन्यूड ही चल रहे हैं। अगर आपको नया बाय करना है तो उसके लिए आपको लेटेस्ट वर्जन बाय करना होगा और उसके लिए आपको डायरेक्ट जो है आपको कंपनी के वेबसाइट पर ही जाना होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लेनोवो थिंक सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको न्यू मिनी पीसी बाय करना है तो बिल्कुल भी आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे। बस समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। और इस टाइप के सभी मिनी पीसीज का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बाबा टेक रिव्यू यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि रिव्यू से रिलेटेड सारी वीडियो जो है पूरी डिटेल्स में आपको वहां पर मिलेंगी, इसीलिए वो चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि ये कैसे हम जो है इसको बाय करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है लेनोवो इंडिया की वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस तरीके से वेबसाइट खुल करके सामने आएगी, आप यहां पर देख सकते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त इसका है उसके हिसाब से जो इसका प्राइस है वो 36,401 रुपए इसका प्राइस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे अभी हम उस पर भी बात करने वाले हैं। बाकी अगर हम नीचे चलते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को पहले देखते हैं तो इसके अंदर जो लगा हुआ है वो i3 का 13th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है, यानी कि 13100T प्रोसेसर लगा हुआ है। जितने भी सारे मिनी पीसी हैं उसके अंदर टी सीरीज वाला ही प्रोसेसर लगता है, वो आपने देखा होगा, चाहे 6th जनरेशन हो, 7th जनरेशन हो, 8th जनरेशन हो, कोई सा भी हो, लेकिन उस प्रोसेसर के नंबर के आगे टी लगा हुआ मिलता है। ये मिनी पीसी के लिए कस्टमाइज किया हुआ बिल्कुल भी स्पेशल प्रोसेसर जो है इंटेल बनाती है जो इसके अंदर लगा हुआ है, जिसके अंदर पी कोर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज मिलेगी बेसिक में और जो 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाने वाली है, मिला जुला करके ये प्रोसेसर इसके अंदर यानी कि 13th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में ये आपको मिनी पीसी मिलने वाला है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ में नहीं आ रहा, आपको अलग से इंस्टॉल कराना होगा। ग्राफिक की बात करें तो IGPU है, इंटरनल ग्राफिक ही लगा हुआ है। बाकी इसके साथ में 8GB DDR5 का 4800 MHz वाला जो है इसके अंदर रैम लगी हुई है ऑलरेडी। स्टोरेज फिलहाल इसके अंदर नहीं है, ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस इसके साथ में नहीं मिलेगा, कीबोर्ड इसके साथ में नहीं मिलेगा और बाकी इथरनेट पोर्ट इसके साथ में मिलेगा। 3 ईयर की ऑन साइड वारंटी मिलने वाली है, आपको इंडिया में कहीं पर भी रहेंगे आप इसकी वारंटी को कवर कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल भी अपग्रेडेबल है, इसके अंदर M.2 SSD भी लग सकती है, SATA SSD भी लगाने के लिए जगह है, आप चाहें तो हार्ड ड्राइव यानी कि लैपटॉप वाला हार्ड ड्राइव भी लगाना चाहें तो वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज दी हुई है। मॉनिटर माउंट भी आएगा, मॉनिटर के पीछे माउंट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये तो जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ में जो है इसका प्राइस 36,401 रुपए है। चूंकि 13 जनरेशन है इसीलिए प्राइस तो थोड़ा सा हाई होना ही है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर स्टोरेज वगैरह नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें अपने हिसाब से चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहां पर बिल्ड योर पीसी पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट विंडो खुलेगी जो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं सारी चीजें। सबसे पहले प्रोसेसर जो कि ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है जो कि i3 का 13th जनरेशन 13100T प्रोसेसर आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो अगला जो प्रोसेसर है वो है 13th जनरेशन का ही i5 वाला यानी 13400T प्रोसेसर। इसको अगर आप चेंज करते हैं तो जो 36,000 रुपए है उसके अंदर 8,600 रुपए प्लस हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका अगला जो प्रोसेसर है दूसरा वो i5 का 13500T प्रोसेसर, ये करीब करीब 10-15% फास्ट होगा, ये 9,900 रुपए प्लस हो जाएगा। इस तरीके से अगर i5 में चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। बाकी नीचे जाएंगे तो और भी इसके अंदर प्रोसेसर देख सकते हैं। i5 का अगला प्रोसेसर है कितना प्लस होना है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। i7 के साथ में अगर लेना चाहते हैं 13 जनरेशन ही तो 30,100 रुपए जो है आपको प्लस करना पड़ेगा। और वहीं पर i9 13900T प्रोसेसर अगर आप लगाना चाहते हैं, सोच सकते हैं कितना हाई कॉन्फ़िगरेशन है कि i9 तक भी आप जो है मिनी पीसी के अंदर प्रोसेसर लगवा सकते हैं, यानी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी उसका निकाल सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए प्लस होगा, यानी कि 5,38 करीब करीब
85,000 रुपए का ये जो है पीसी पड़ जाएगा अगर i9 में कन्वर्ट करते हैं तो। ये तो रहा प्रोसेसर की बात। नीचे आते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी नहीं है। अगर विंडोज 11 होम लेते हैं तो 5,000 रुपए प्लस होगा। अगर बाकी प्रोसेसर वही रहने देते हैं 36,000 में, अगर विंडोज भी लेते हैं तो 5,000 यानी कि वो 41,000 रुपए का हो जाएगा। विंडोज होम सिंगल लैंग्वेज इसका भी 5,000 ही है। साथ में ही अगर प्रो लेते हैं यानी कि विंडोज 11 का प्रो, तो वो 19,000 रुपए प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। फॉर्म फैक्टर वही है यानी कि मिनी पीसी ही है, उसका ये मॉडल नंबर है। उसके अंदर मेमोरी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि 8GB 4800 MHz वाली DDR5 लगी हुई है। अगर 16GB अगर आपको लेना है तो इसके अंदर 1,900 रुपए और बढ़ जाएगा। वहीं पर 16GB DDR5 का दो स्टिक लगाना चाहते हैं, 8GB का दो यानी कि दो चैनल यूज करना चाहते हैं, तो भी आपको उतना ही बढ़ रहा है, 1900 रुपए बढ़ रहा है। सिंगल स्टिक लगाना है तो भी उतना ही बढ़ रहा है, 8GB के दो लगाने हैं तो भी उतना ही बढ़ रहा है। एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के साथ में। उसके साथ में 32GB 16GB का दो लगाना चाहते हैं तो यहां पर 5,400 रुपए इंक्लूड होगा। 32GB का सिंगल स्टिक लगाना चाहते हैं तो यहां पर जो है 13,100 रुपए बढ़ रहा है। हो सकता है कोई यहां पर प्रॉब्लम हो, ये जरूरत की चीज नहीं है। अगर हमें 32GB चाहिए ही तो 16GB का दो लगा लेंगे, हमारे लिए दोनों चैनल यूज होंगे और बहुत अच्छे से काम करेगा। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो IGPU ही इसके अंदर है, कोई एक्सटर्नल ग्राफिक की यहां पर जो है कोई सुविधा नहीं है। बाकी जो है यहां पर कोई डोंगल लेना चाहते हैं यानी कि फिलहाल इसके साथ में कोई डोंगल नहीं है, इंक्लूडेड है। और HDMI अगर केबल लेना चाहते हैं तो यहां पर 300 रुपए इंक्लूड होगा। और DP to DVI पोर्ट लेना चाहते हैं तो 600 इंक्लूड होगा अगर डोंगल लेना चाहते हैं तो। HDMI to VGA लेना चाहते, आपके पास VGA अगर मॉनिटर है और इसके अंदर HDMI है पीसी के अंदर और VGA चलाना चाहते हैं तो आप चाहें तो एडाप्टर ले सकते हैं, 800 रुपए का एडाप्टर मिलेगा। और DP to VGA लेना चाहते हैं तो यहां पर 1700 का एडाप्टर मिलेगा। इस सारी चीजें आपने सुविधा के हिसाब से, आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। यहां पर सेकंड ग्राफिक डोंगल यहां पर हमें जरूरत नहीं है, ग्राफिक डोंगल की इसमें से किसी की भी अगर जरूरत है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी सेकंड हार्ड ड्राइव यहां पर अगर आप जो इंक्लूडेड है इसके अंदर, जो स्टोरेज जो इंक्लूडेड है उसके अंदर 256GB M.2 2280 वाला इंक्लूडेड है जो कि Gen 4 SSD है। इसी के अंदर 512GB अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहां पर आपको 700 रुपए और प्लस करना पड़ेगा। नीचे जाएंगे यहां पर अलग अलग स्पीड के हिसाब से, जो कि हाई परफॉर्मेंस वाली अगर लेते हैं तो 1600 रुपए प्लस करना पड़ेगा। 1TB की अगर आप लेते हैं नॉर्मल Gen 4 SSD तो 3,400 रुपए आपको जो है एक्स्ट्रा देना होगा। हाई परफॉर्मेंस वाली अगर लेते हैं तो यहां पर 4,800 रुपए और आपको जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2TB की अगर आप लेते हैं तो 16,100 रुपए आपको जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा SSD। यानी कि उनमें से भी कोई लेना चाहते हैं और दो स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो यहां पर ये भी आप ले सकते हैं, और भी कोई लेना चाहते हैं तो यहां से इंक्लूड कर सकते हैं। चाहते हैं कि उसके अंदर दो SSD लगे और चाहते हार्ड ड्राइव लगे तो वो सारी चीजें आप जो है यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है लेनोवो की तरफ से। यहां से हार्ड ड्राइव ब्रैकेट लेना चाहते हैं क्योंकि मैक्सिमम में जो है ब्रैकेट नहीं मिलता है। कई बार आप लोगों की शिकायत रहती है रिन्यूड में कि रिन्यूड में हमें हार्ड ड्राइव लगाने के लिए जगह नहीं मिली। तो एक्चुअली जब लिया गया, जिस पर्सन ने उसको खरीदा था अपने टाइम में, अगर उसने 2.5 हार्ड ड्राइव का ब्रैकेट नहीं लिया होगा और वो वाला अगर आपको रिन्यूड पीसी में जाकर के मिल रहा है, उतनी डिटेल्स तो रिन्यूड में होती नहीं है जितना कि यहां पर दिखाई जा रही है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये वाला पीसी रिन्यूड कभी किसी समय में मिला तो उसमें हार्ड ड्राइव लगाने के लिए ब्रैकेट नहीं मिलेगा, हार्ड ड्राइव आप नहीं लगा पाएंगे। तो यहां से अगर आप लेते हैं अपने लिए तो हार्ड ड्राइव लगाना है, अगर आपको लगता है कि हार्ड ड्राइव लगाएंगे यानी 2.5 का SATA SSD या फिर हार्ड ड्राइव लगाना है तो आपको 200 रुपए का ये ब्रैकेट ले लेना ज्यादा बेहतर है। इसको ले लेंगे, फ्यूचर प्रूफ रहेगा, फ्यूचर में यूज करेंगे तो भी सही है, नहीं करेंगे तो भी 200 रुपए में क्या ही जाता है। नेटवर्क के लिए इथरनेट पोर्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। यहां पर नेटवर्किंग अलग से लेना चाहते हैं तो 1,000 रुपए का उसके अंदर जो है एक एडाप्टर और लगवा सकते हैं इथरनेट के लिए, वो एक अलग से भी सुविधा है यानी कि ड्यूल हो जाएंगे। बाकी वाईफाई लाइन के लिए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वाईफाई 6 इसके अंदर इंक्लूडेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी कीबोर्ड अगर आपको इंक्लूड कराना है तो यहां पर अभी जो भी है सेलेक्ट उसके अंदर नहीं है। प्लस 700 के अंदर ये वाला मॉडल इनका मिलेगा, USB ट्रेडिशनल मॉडल, और ये अलग अलग मॉडल है जिनका अलग अलग रेट यहां पर दिया हुआ है, इनमें से कोई चाहिए तो आप ले सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस इसके अंदर जो है आपको ये वाला मॉडल मिलेगा 200 का, चाहे तो आप यहां से ले सकते हैं, सस्ता ही है। USB टाइप सी दो फ्रंट और 4 रियर में, तो आपको जो है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। USB टाइप सी बहुत अच्छा है, एक USB फ्रंट पे जो है आपको मिल रहा है और 4 USB टाइप ए जो है बैक में मिल रहा है, ये बहुत अच्छी सुविधा है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसकी सारी चीजें सेलेक्ट करके और उसके बाद बाय करने के लिए आप यहां से जो है जाएंगे एड सर्विस पर, यहां से क्लिक करेंगे। अब यहां से इसको बाय करने के लिए आप यहां पर जैसे देख रहे हैं हमने कोई भी चीज चेंज नहीं किया, तो जो कॉन्फ़िगरेशन
ऑप्शन हमने बताया था वो 36,401 रुपए में मिलेगा, उसके लिए स्किप टू कार्ट करेंगे और यहां से ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहां पर आपका पीसी आ जाएगा। उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कितना पे करना है आपको यहां पर साइड में दिखाई देगा, टोटल करके 34,401 रुपए ही है। प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे और यहां पर अगर पहले से आपके पास अकाउंट है लेनोवो का तो यहां से आप क्लिक करेंगे, और अगर आप पहली बार अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो गेस्ट चेकआउट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर जो है अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह सारी चीजें फिल करके और उसके बाद जो है चेकआउट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आपको कर देना होगा बिल्कुल नॉर्मली जैसे अमेजोन से आप बाय करते हैं और वैसे चेकआउट कर देंगे और बिल्कुल आपके घर जो है पीसी बन करके आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसको बाय करने का, अगर नया पीसी बिल्ड करना है, नया पीसी बाय करना है, मिनी पीसी लेटेस्ट जनरेशन, तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए और बाय कीजिए। बाकी प्रैक्टिकली सारी चीजें रिव्यू देखने के लिए आप हमारे नए चैनल पर जाएं, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बिल्कुल डिटेल्स पे हर चीज का रिव्यू देख सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।